निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बड़े पैमाने पर बिल दिए जा रहे हैं। इंजेक्शन की हो रही है कालाबाजारी। आज सर्वधर्म संघ अध्यक्ष मंजूर बेग ने अपने बड़े बयान में कहा है कि राज्य शासन के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट एवं जिलाधीश मनीष सिंह द्वारा निजी हॉस्पिटलों को बड़े पैमाने पर इंजेक्शन और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद भी हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा जानबूझकर बीमार मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के साथ हॉस्पिटल संचालकों द्वारा लाखों के बिल सौंपे जा रहे हैं। 3 दिन, 7 दिन और 14 दिन के रेट दवाओं के भी ज्यादा वसूले जा रहे हैं। इंजेक्शन, रेमडेसिविर मरीजों के परिवारों को चिट्ठी लिखकर बाहर से मंगाए जाने का दबाव बनाते हैं, जबकि शासन और प्रशासन निजी हॉस्पिटलों को बड़े पैमाने पर इंजेक्शन उपलब्ध प्रत्येक दिन करा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जिलाधीश महोदय से ये मांग है कि निजी हॉस्पिटलों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी रखी जाए। यहाँ पे बॉडी नहीं दे रहे मेरे हस्बैंड की, उनको 4.5 लाख रुपए चाहिए। 6-7 लाख रुपए में लगा चुकी हूँ, सबसे कर्जा कर करके मैं कहाँ से लाऊँ। 6 तारीख से भर्ती महीने भर हो गए, कोई वो नहीं है। क्या हुआ था आपके? पहले कोविड थे, अभी नॉन कोविड थे। ICU में रखा, फिर वेंटिलेटर में रखा, फिर सही हुए, फिर वेंटिलेटर में रखा। कितने टाइम से वेंटिलेटर में थे? अभी 25 तारीख से वेंटिलेटर में थे। बस बोल रहे थे पूरा पैसा जमा करो, पूरा पैसा जमा करो। कितना पैसा हुआ था आपका? टोटल हो गए इनके 6-7 लाख रुपए। अभी तक आपने कितने दे चुके और कितने बाकी हैं? 3 लाख जमा कर दिए, अभी 3.5-4 लाख मांग रहे, 4.5 लाख। बॉडी नहीं दे रहे, बोले पैसे जमा करो तो ही बॉडी देंगे। इंजेक्शन हमने ही दिए हैं बाहर से, और गोली दवाई भी हम ही दे रहे थे अभी तक बाहर से, और 3 से 3.5 लाख रुपए जमा कर चुके हैं। उसके बाद भी बोल रहे थे, वो डॉक्टर अनुपम है जो, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि ना 2 दिन में आपका पूरा पैसा जमा हो जाना चाहिए। एप्पल हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों का क्या कहना पड़ गया? डॉक्टर का कहना कुछ नहीं था, उनका कहना सिर्फ हम पूछते थे तो बोले कंडीशन ठीक है, ठीक है। और अभी 3 दिन पहले हमारी खुद अच्छे से बात हुई थी, हमने नारियल पानी भी दिया था, उन्होंने खुद अपने हाथ से लेके पिया भी था, और उसके शाम की रात में उनने वेंटिलेटर पर रख दिया उनको। उसके बाद तो डॉक्टर को अनुपम बुला बुला के बस पैसे पैसे ही मांगते रहते थे, तो हमने बोला हमारा बाहर से आ रहा है, क्योंकि हमने कर्जा ले लेके पैसा दिया था। और नहीं, इंजेक्शन सारे हमने दिए, रेमडेसिविर सिर्फ उन्होंने एक लगाया है, एक भी नहीं है। हम लोगों ने इंजेक्शन सारे हमने बाहर से खरीद के दिए। वो तो फोन लगा लगा के जिससे भी मिले। नहीं तो ये आपने दिए हॉस्पिटल में? हाँ दिए हमने, हमने दिए हैं। आपने कितने इंजेक्शन दिए? छह दिए। छह जाने ना, वो जा बताएं कि कितने लगा, उनने एक भी नहीं लगाए, सब बेचे इनने, सब दलाली करी। एक कमेटी बनाकर निजी हॉस्पिटलों द्वारा आए दिन लाखों की जो मरीजों से वसूली की जा रही है, उस पर स्वास्थ्य विभाग की कमेटी जाँच करे। इंदौर में सैकड़ों की संख्या में निजी हॉस्पिटल है, गंभीर मरीज को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। प्राइवेट निजी हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा बाहर से ही मरीजों को रवाना किया जाता है। जिला प्रशासन, राज्य शासन द्वारा SDM की जो ड्यूटी लगाई गई है, ये अधिकारी भी मरीजों के परिजनों के फोन तक नहीं उठाते। व्हाट्सएप पर जानकारी दो, उसे भी नजरअंदाज किया जा रहा है। श्री बेग ने कहा है कि निजी हॉस्पिटल पर कड़ी निगरानी रखी जाए, साथ ही डॉक्टरों द्वारा मरीज के परिजनों को जो इंजेक्शन लिखकर दिए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए, जिससे कालाबाजारी रुक सकेगी। समय बेला में माननीय प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी और जिला प्रशासन के जिलाधीश मनीष सिंह जी को बधाई दूंगा कि उनकी गंभीरता और उनकी कड़ाई के पालन से निजी हॉस्पिटल पे कुछ लगाम लगी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि निजी हॉस्पिटल आज भी कालाबाजारी नहीं कर रहा है। निजी हॉस्पिटल के संचालक, उनके डॉक्टरों द्वारा लगातार जिला प्रशासन और शासन स्तर पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी पेशेंट के परिवार को डॉक्टरों द्वारा लेटर पर लिखकर रेमडेसिविर बाजार से लाने की बात कह रहा है। इससे ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल के लोग और जो डॉक्टर्स हैं और जो उसके संचालक हैं, वो अभी कालाबाजारी की ओर है। क्योंकि पेशेंट को जब इंदौर में मेडिकलों पे इंजेक्शन नहीं है, तो पेशेंट को किसी प्रकार से भी चिट्ठी लिखने का हक डॉक्टर को नहीं है। मैं माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि निजी हॉस्पिटल पे जो भी पेशेंट भर्ती हो, उनके साथ जो लूटमार की जा रही है, उनके जो रूम का चार्ज 10-10 हज़ार रुपये लगाया जा रहा है,
वेंटिलेटर के 10-10 हज़ार रुपए ले जा रहे हैं। तो समय पहला तो सरकार और जिला प्रशासन निजी हॉस्पिटल के रेट तय करें, प्राइवेट रूम कितने का है, सेमी प्राइवेट कितने का और जनरल कितने का, जो किराया ले रहा है उसी से परिवार की कमर टूटी हुई है। पेशेंट पहले ही परेशान रहता है, उसका परिवार परेशान रहता है, लेकिन उन्हें जब बिल दिया जाता है 3 दिन बाद 7 दिन बाद या 14 दिन बाद तो लाखों में होता है, जिससे परिवार का परिवार जो रहता है पेशेंट का उसकी हालत बड़ी गंभीर हो जाती है, फिर उस बात को लेकर हॉस्पिटल में विवाद होते। इसलिए माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करूँगा कि निजी हॉस्पिटल के रेट तत्काल तय करें और जो भर्ती हो रहता पेशेंट उसके परिवार का कांटेक्ट नंबर स्वास्थ्य विभाग को देना चाहिए। एक स्वास्थ्य समिति ऐसी बना दी जाए जो निजी हॉस्पिटल का निरीक्षण करे, जो जो भर्ती हैं और जिनको लाखों के बिल दिए जा रहे हैं उसकी जांच होना चाहिए, और जो व्यक्ति रेमडेसिविर की चिट्ठी लिखता है, जो डॉक्टर रेमडेसिविर की चिट्ठी लिखता है, उस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट और जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़ी मात्रा में निजी हॉस्पिटल को दे दिया है, उसके बाद भी पेशेंट को चिट्ठी लिखना यह अन्याय है, पेशेंट के साथ खुली लूट हो रही है, इस पर रोक होना चाहिए। ये मेरी मांग आपके सोशल मीडिया के माध्यम से।